आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पौड़ी में मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में दो लोगों की मौत। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में शनिवार शाम को बड़ा हादसा हो गया, यहां मैक्स वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में ड्राइवर समेत दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोशल मीडिया पर की अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया है, जबकि तीन लोगों पर कार्रवाई गतिमान है। जोशीमठ भू धसाव मामले में फिर पकड़ा तूल। बद्रीनाथ विधायक ने सरकार पर साधा निशाना, उठाइए मांगे। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने जोशीमठ भू धसाव पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। राजेंद्र भंडारी का कहना है कि शहर के अधिकांश भाग को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है, सभी लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा तो शहर कहाँ बचेगा। हल्द्वानी में इंस्पेक्टर, दरोगा और चौकी प्रभारियों को किया गया इधर उधर, जानिए किस किस कार्य क्षेत्र में हुआ फेरबदल। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई पुलिस सब इंस्पेक्टर, थाना और चौकी प्रभारियों का स्थानांतरण किया गया है। नैनीताल SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने स्थानांतरित अधिकारियों को जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। वहीं SSP ने सभी पुलिस कर्मियों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड की तीन लोकसभा सीटों के लिए चेहरे फाइनल, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल से नाम घोषित, पुराने चेहरों पर ही भरोसा। BJP हाईकमान ने उत्तराखंड की तीन लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स फाइनल कर दिए हैं। अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल लोकसभा सीटों का नाम फाइनल किए गए हैं। अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल से अजय भट्ट, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को BJP ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। रुड़की में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हरीश रावत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने भी निकाला पैदल मार्च। भाजपा ने हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीटों पर रखा सस्पेंस, टिकट कटने के कयास, नए चेहरे उतारने की तैयारी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीटों पर अभी सस्पेंस गया है। इस सस्पेंस को मौजूद सांसदों के टिकट कटने के इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीटों से उत्तराखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री सांसद हैं। देहरादून मसूरी रोड पर टैंकर के ब्रेक फेल, सामने से आ रही कार को मारी टक्कर, चार लोग घायल। देहरादून जिले के मसूरी थाना क्षेत्र में शनिवार 2 मार्च शाम को देहरादून रोड पर पानी के टैंकर का ब्रेक फेल हो गया था, जिस कारण टैंकर सीधे सामने से आ रही कार से भिड़ गया। इस हादसे में कार सवार परिवार के चार लोग घायल हो गए थे, जिनका मसूरी के सरकारी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। 80 लाख की धोखाधड़ी का मामला, STF ने दो आरोपियों को किया अरेस्ट, तरीका आप जान आप भी रह जाएंगे हैरान। सिलकियारा सुरंग हादसे के हीरो गब्बर सिंह नेगी काम पर लौटे, कहा बीमारियों के कारण परिजनों ने आने से रोका था। उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग हादसे के हीरो माने जाने वाले फोरमैन गब्बर सिंह नेगी सिलकियारा सुरंग के निर्माण कार्य के लिए वापस काम पर लौट आए हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि उन्हें परिवार वालों ने यहां आने से रोका था। श्रीनगर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। हाईवे पर बेकाबू कार के चपेट में आकर दो कांवड़ियों की मौत, बहादुराबाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर सब पुलिस परिजनों को सौंप दिया है। PhD के दो छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत। बर्फबारी से बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे बंद, BRO के मजदूर और JCB हाईवे को खोलने में जुटी। हर्षिल और मोरी में भारी बर्फबारी होने से पर्यटक खुश। चमोली की नीति मलारी घाटी और गांव बर्फ से लदक। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने वाले 5 छात्रों पर जुर्माना लगाया। दून से अयोध्या के लिए रवाना हुई दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन, राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही आस्था स्पेशल ट्रेन को टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और
टपकेश्वर के महंत किशन गिरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन में 1074 यात्री अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। अयोध्या जाने वाली देहरादून से ये दूसरी ट्रेन है। इसके साथ ही अभी तक हरिद्वार से 2 और ऋषिकेश से 1 ट्रेन अयोध्या जा चुकी है। शनिवार को 11 बजे रेलवे स्टेशन पर हुए समारोह में टेहरी सांसद ने कहा कि भाजपा ने मंदिर वहीं बनवाया जहां का वादा किया था। रंग बिरंगे फूलों को देखने उमड़े लोग। वसंतोत्सव के चलते रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक रहा राजभवन। चित्रकारों ने दिखाई प्रतिभा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आर्ट गैलरी व फोटो प्रदर्शनी का किया अवलोकन। राजभवन वसंतोत्सव के चलते रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक रहा है। शनिवार को दूसरे दिन खराब मौसम के बावजूद फूलों के इस संसार को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इससे पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वसंतोत्सव में लोक कलाकारों ने समृद्ध लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। बेरोजगारों की पुलिस से धक्का मुक्की। राज रोजगार सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगारों ने किया सीएम आवास कूच। रोजगार से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि पहले से तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड पर ही रोक दिया।